फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी होली आने वाली है तो होली पर कुछ मीठा बनाया जाए, तो आज हम मावा गुजिया बनाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मावा गुजिया के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में आधा चम्मच घी डाल देती हूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे रोस्ट कर लेती हूँ। एकदम मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे रोस्ट करना है। इसके साथ ही मैं इसमें एक कटोरी नारियल का बुरादा डाल देती हूँ और इसे हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है और ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा जले ना, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर रहे हैं। आप इसे आयरन की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में ही हो सके तो रोस्ट करें। अभी ये रोस्ट हो गया है, अब हम गैस को बंद करके इसे खुले बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम फिर से कढ़ाई में आधा चम्मच घी डाल के इसमें 50 ग्राम सूजी डालकर इसे भी रोस्ट कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अब ये सूजी भी रोस्ट हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सूजी को भी हम ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में ही डालकर अब इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने एक कटोरी मावा लिया है, इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं। अब मावे को हम कढ़ाई में डालकर इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। अभी ये मावा सारा एक साथ आ गया, इसे अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक गुजिया के लिए ड्राई फ्रूट का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदे का डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, इसमें मैं एक चुटकी इलायची पाउडर डाल देती हूँ और 3 चम्मच घी डाल देती हूँ। इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच घी डाला है और इसे मैदे को हम हाथ से ऐसे करें तो इसका ऐसा बनना चाहिए, तब तक इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हम इसका आटा गूंद लेते हैं। इसमें हम पानी डालकर इसका थोड़ा सा सख्त आटा गूंद लेंगे। जैसा हम नॉर्मल आटा गूंदने इसका वैसा आटा नहीं गूंदना है हमें। इसका मैंने सख्त दो तैयारी कर ली है, अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। अब चाशनी के लिए मैं एक बर्तन में 250 ग्राम चीनी डाल देती हूँ और इसमें 250 ml पानी ऐड कर देते हैं। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़े से कटे हुए बादाम। अब इसकी हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। अब ये चाशनी में भी उबाल आ गया है, इसे हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी सी चिपचिपी हो बस उतनी ही बनानी है। अभी ये चिपचिपी नहीं हुई है, इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। अभी ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी सोगी डाल देते हैं। सोगी के मैंने थोड़े थोड़े छोटे पीस काट कर डाले हैं और इसमें हमारा मावा भी ठंडा हो गया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। इसमें मैं 4 चम्मच चीनी का पाउडर डाल देती हूँ। इसमें हम चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम चाशनी भी बना रहे हैं तो चाशनी गुजिया के अंदर तक जाएगी तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें मैंने 4 चम्मच ही चीनी डाली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम ऐसे हाथ से पकड़ के देखें तो एकदम ऐसी शेप पकड़नी चाहिए इसे। अब इसे हम रख देते हैं, गुजिया के लिए फिलिंग रेडी है। चाशनी भी चिपचिपी हो गई है। अब हम गैस को बंद करते हैं। अब हम अपने डो को भी देख लेते हैं एकदम। ये देखिए ये भी सॉफ्ट हो गया है। इसे हम पहले इसीलिए सख्त गूंथते हैं ताकि ये बाद में भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसे एक बार थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। अब इसके मैं छोटे छोटे गोले निकाल लेती हूँ। इसके मैंने गोले रेडी कर लिए। अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर कटोरी रखकर इसके साइड वाला पोर्शन निकाल देते हैं और इसमें फिलिंग रेडी कर देते हैं। अब इसमें मैं एक चम्मच फिलिंग रख देती हूँ, इसके सेंटर में ही रखेंगे। और इसकी अब सारी साइड्स पे हम पानी लगा देंगे। फिर इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसे फोक से अच्छे से बंद कर देते हैं और शेप दे देते हैं। ये हमारे गुजिया रेडी है। अब हम ऑयल को गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। गैस पर हमने ऑयल रख दिया है, इसे हम थोड़ा ही गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अभी ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके गुजिया डाल देंगे। गुजिया थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, इसे हम पलट कर दूसरे साइड भी पका लेंगे। अब ये गुजिया भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल कर साथ साथ ही इसे चाशनी में भी डालते जाएंगे। ये चाशनी में अच्छे से डिप हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं चाशनी से। ये भी फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। इसे हमें चाशनी में अच्छे से उलट पलट कर अच्छे से इसे डिप कर देना है। 2 मिनट तक इसमें रखना है, फिर इसे हम निकाल लेंगे। चाशनी में मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला था ताकि इसका कलर और भी अच्छा आए। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अभी हमारे सारे मावा गुजिया बनकर एकदम रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।